दोस्तों, ये आप मदरबोर्ड देख रहे हैं जो है HP का मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये कोलकाता से आया है रिपेयर होने के लिए, तो अभी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए E0E0 का एरर आ जाता है, बड़े डीबग कार्ड में देखोगे और बाकी इसमें देखोगे 30 एरर है। यहाँ पे कोई भी रैम लगाओ, इतने सारे रैम हमने बदल लिए DDR3 के, तो रैम देखिए यहाँ पर यही लगा रहेगा। और इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, तो कृपया वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। ये फॉल्ट शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, पता चलेगा आपको वीडियो के अंत में। तो फिलहाल ये मदरबोर्ड देखिए, HP के मदरबोर्ड है। ये मॉडल हमने खोल रखा है, HP कॉम्पैक्ट 8100 इलाइट कन्वर्टेबल माइक्रो टावर PC। तो ये है PC का मदरबोर्ड और ये इसका पार्ट कोड है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से ASS50579-001। तो इसमें क्या है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसमें VGA केबल भी लगा लेते हैं। फैन चल रहा है, सब कुछ ऑन हो रहा है, लेकिन कोई भी रैम लगाने से यहाँ पे और प्रोसेसर रिप्लेस करने से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए आपके सामने यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन, नो डिस्प्ले। ओके, थोड़ा इंतज़ार करिए, नो सिग्नल का भी मैसेज आ जाएगा। तो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नो सिग्नल का मैसेज आ गया, VGA कनेक्टेड है। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा, आप ध्यान से देखना, स्किप मत करना इस वीडियो को, नहीं तो ये आप फॉल्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार फ्लैश लाइट की मदद से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक देखिए रैम स्लॉट होता है, रैम हम लगा हुआ है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर रैम स्लॉट होता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बाइसिंग होते हैं, तो बाइसिंग देखिए बाइसिंग कंपोनेंट से होते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ दिखाने, शो करने के लिए, बट अगर ना दिखे तो भी मैं थोड़ा सा इसका कनेक्शन निकाल के बोर्ड को मूव करता हूँ 360 पे, तब आपको दिखेगा। एक मिनट मैं निकाल लेंगे, रैम वगैरह सब कुछ यही लगा रहेगा, आप देखना। डिस्प्ले 100% आने वाला है, तो VGA भी हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मदरबोर्ड है इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस आपको दिखेगा यहाँ पे सामने की तरफ, ये देखिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे बाइसिंग होती है इसकी, ठीक है। R79 यहाँ पे देखिए, R79 करके है और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे रैम के बीच में होता है, तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है। इसी की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि E0E0 रैम का आ रहा है, ठीक है, और डिस्प्ले नहीं आ रहा आपका, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि डिस्प्ले आएगा तो फिर कैसे आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपको दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको इस रेजिस्टेंस को निकालना है और इसको शॉर्ट कर देना है, या तो आपको इस वैल्यू का रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देना है, ठीक है। बस यही समस्या होता है इसमें। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं। रैम यही लगा हुआ है, जो नो सिग्नल नो डिस्प्ले आ रहा है, E0E0 आ रहा है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी रैम निकालते हैं, सलमान जरा आना। तो यहाँ पे फोकस करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, हाँ। तो SMD की मदद से मैं इसको निकाल लूँ और यहाँ पर जम्पर करूँगा, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार ऐसे वीडियो आपको स्किप हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और सारे जुगाड़ टेक्नोलॉजी मिलेंगे सीखने को, ठीक है। तो इससे रैम स्लॉट जलने की ज़्यादा संभावना है, तो इससे आप क्या करिए कि आयरन की मदद से ही इसको निकाल लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस तो निकल चुका है, लेकिन ध्यान रखें कि ट्रैक ना टूट जाए, ट्रैक टूटेगा तो फिर ये आपका मदरबोर्ड नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और अब रेजिस्टेंस का जो गैप है वो फिल करना है हमें,
तो फिलहाल अब हम क्या करते हैं, एक जम्पर कर देते हैं, एक वायर लेके, सिंपल वायर लेंगे इस टाइप से और इसे जम्पर कर देंगे। तो देखिए जम्पर तो हो चुका है सक्सेसफुली, और इस वायर को हम क्या करेंगे यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, वायर निकल गया। चलिए अब कनेक्ट करके देखते हैं मदरबोर्ड को। तो ये हमारा SMPS, इसको कनेक्ट करते हैं इसमें। ओके, सामने की तरफ और देखेंगे डीबग कार्ड में जो हमारा एरर आ रहा था वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और डिस्प्ले भी हमारा बन जाएगा। तो बोर्ड ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं 3318, 74 और 99, और वहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे रैम भी काउंटिंग चल रहा है, तो मैं फ्लैश लाइट बंद करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए। और यहाँ पे 2GB का रैम लगा रखा है मैंने, तो 2GB काउंट कर लेगा तो ये रुक जाएगा। और डिस्प्ले भी आ चुका है, आप देख सकते हैं इस जम्पर का कमाल। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो मिस ना हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, कमेंट करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ रहा है। देखिए यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस वीडियो में हमने जम्पर की मदद से हमने मदरबोर्ड को रिपेयर कर दिया है, ठीक है। और F1 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड भी हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दोबारा डिस्प्ले आ जाएगा, जो काउंटिंग का जो प्रॉब्लम था फेचिंग का वो यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। और हमारा मदरबोर्ड 100% ओके हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो E0 कोई रैम लगा रहे हैं नहीं चल रहा है, बीप साउंड बार बार आ रहा है, बीप दे रहा है, तो इसका प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने मदरबोर्ड बाहर निकाल रखा है, नहीं तो बीप आता बार बार, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।